नमस्कार, आरएस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम खट्टा मीठा चटपटा सा आम पापड़ बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। हमने कच्चा आम ले लिया है, इसे छीलकर काट लिया है। पहले हमने इसे अच्छे से धो लिया है, उसके बाद छीलकर काट लिया है। अब हम कुकर में इसे डाल देते हैं और पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितने में ये डूब जाए, उससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। तो देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे हम एक सीटी आने तक पका लेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और हम इसे पका लेंगे। देखिए, ये पक चुका है। कुकर ठंडा होने के बाद हमने इसे खोल लिया है। आम अच्छी तरह गल चुका है, तब हम इसे छन्नी में डाल देंगे और इस तरह कलछी की सहायता से मसलते हुए हम इसे छान लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बारीक पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। पहले हम उसमें 1 कप शक्कर डालेंगे और इसके बाद ये डाल देते हैं, आम का प्यूरी डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। शक्कर भी अच्छी तरह गल चुका है और अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो देखिए, अब ये धीरे धीरे और भी गाढ़ा होगा। ये आम थोड़ा खट्टा था तो हमने शक्कर थोड़ा बढ़ा के लिया है। इसमें अब अच्छी तरह उबाल आने लगा है, तब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर इसके बिना भी बना सकते हैं। तो हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी ये गाढ़ा हो चुका है और पहले से थोड़ा कम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर। इन सबको डालकर मिक्स करेंगे और थोड़ा देर से हम और पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। अब देखिए, बिल्कुल जमने के जैसा हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तब हम अब गैस बंद कर देंगे और थाली में हमने पहले से घी लगा के रख लिया है। आप चाहे तो तेल भी लगा सकती हैं। अब हम इसमें पलट देते हैं थोड़ा सा और थाली में हम कलछी की सहायता से इस तरह पतला सा ही फैलाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा मोटा भी फैला सकते हैं। इसे हम धूप में सुखाएंगे या फिर पंखे के नीचे में भी सुखा सकते हैं। आप धूप में सुखाएंगे तो 2 से 3 दिन लग सकता है। अगर आप छाँव में यानी पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो 4 से 5 दिन लगेगा। अगर आपका पापड़ थोड़ा मोटा है तो धूप में भी थोड़ा दिन और लग सकता है। तो इसे हम धूप में सुखा लेंगे। तो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह सूख चुका है। धूप अगर तेज़ है तो जल्दी सूख जाएगा, अगर कम धूप आ रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, आसानी से इस तरह निकल जाता है। और हम इसे चाकू से इस तरह काट लेते हैं। आप छोटा बड़ा जो भी साइज़ में आपको जो पसंद है आप उस साइज़ में काट लें। तो देखिए, ये हमारा आम पापड़ कितने आराम से निकल जा रहा है। इसी तरह हम बाकी सभी आम पापड़ निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी आम पापड़ बनके तैयार हुआ है। खट्टा मीठा सा चटपटा सा आम पापड़ सभी को बहुत भाता है, आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सभी को ये पापड़ बहुत पसंद आता है। आप इसे 1-2 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।